आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में. प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है खसूसियात को, यानी कि हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं, जो धातें हैं, वो उनकी क्या खसूसियात होती हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट, यानी कि ये किस फॉर्म में मिलती हैं. तो उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, ज़्यादातर जो धातें हैं, वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, यानी कि ठोस हालत में होती हैं, सवाए मरकरी के. जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जो मर्करी है, ये भी एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है, माया हालत में है. इसके अलावा अगर हम बाकी सॉलिड्स की बात करें, जैसे कि गोल्ड यानी कि सोना, इस तरह से कॉपर यानी कि जो तांबा है, ये क्या है, सॉलिड हैं. और अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए, तो रूम टेम्परेचर का मतलब है कि जो हम कहते हैं कि जो आम दर्जा हरारत है, जो कि हम कह रहे हैं कि नॉर्मली दर्जा हरारत होता है, उसे कहा जाता है रूम टेम्परेचर. तो हम देखते हैं कि सोना जो है वो भी हमें ठोस हालत में मिलता है, तांबा भी ठोस हालत में मिलता है, इस तरह से लोहे की बात की जाए, आयरन, वो भी ठोस हालत में मिलता है. तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स हैं, सवाए मरकरी के. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं ये हार्ड हैं, यानी कि सख्त हैं. जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, कॉपर की, सोने और तांबे की, तो हम देख रहे हैं ये सॉलिड हैं, ठोस हैं, और क्या हैं, सख्त हैं, यानी कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं. अब इसी तरह से अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, एक और खसूसियत की बात करें, तो उसे कहा जाता है लस्टर, यानी कि जो मेटल्स हैं, जो धातें हैं, उनमें ख़ास किस्म की एक शाइन होती है, यानी कि हमें जो उनके ऊपर एक चमक सी नज़र आती है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोहे की बात करें, आयरन, यहाँ पे हम आयरन रिंग देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इनके ऊपर एक ख़ास किस्म की शाइन मौजूद है, उस शाइन को कहा जाता है लस्टर. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो उनमें स्ट्रेंथ भी होती है, इसके अलावा ये मैलिएबल भी हैं. अब अगर हम बात करें कि मैलिएबल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम इसको बीट करके, यानी कि इसको, जैसे कि अगर हम हैमर की बात करें कि हथौड़े से लोहे के ऊपर अगर मारा जाए, तो उसकी जो शेप है, जो शक्ल है, उसको तब्दील किया जा सकता है. इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी शीट्स बनाई जा सकती हैं. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मेटल से स्प्रिंग बनाए जा सकते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर वायर, यानी कि जो मेटल्स हैं उनको तोड़े बगैर, यानी कि उनको ब्रेक किए बगैर, उनकी जो शेप है वो तब्दील की जा सकती है. तो इसका मतलब क्या है कि वो मेलिएबल है, मतलब ये कि हम उनको मुख्तलिफ शक्लों में ढाल सकते हैं. इसी तरह से अब अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, एक और खसूसियत की बात करें, तो वो है कंडक्टिविटी. जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि गर्माइश उनमें से पास हो सकती है और बिजली उनमें से पास हो सकती है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने मेटल का एक पैन लिया है और उसको चूल्हे के ऊपर रखा है, तो हम देखते हैं कुछ देर के बाद ये जो हम देख रहे हैं कि उसका हैंडल है, ये भी गर्म हो जाएगा. इसका मतलब है कि जो हीट है वो यहाँ से पास करती हुई कहाँ पर आ गई है, वो यहाँ से पास करती हुई इस हैंडल में आ चुकी है. तो जब हम इसको छूते हैं तो हमें पता लगता है कि ये गर्म हो चुका है, यानी कि हीट पास करके इस हैंडल तक आ चुकी है. इसी तरह से हम देखते हैं कि जो कॉपर वायर है, तांबे की जो तार है, उसे इस्तेमाल किया जाता है जब बिजली जो है वो हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा रही है तारों के ज़रिए से. तो ये क्या है, कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है मेटल्स में से. अब अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो दर्जा हरारत जिसके ऊपर कोई मेटल मेल्ट कर जाए, यानी कि पिघल जाए, या फिर कहते हैं कि बॉयल कर जाए, बॉयल यानी कि उबल जाए, या फिर हम कहते हैं कि खोलना स्टार्ट हो जाए, तो वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो दर्जा हरारत जिस पे वो बॉयल करना शुरू कर दे, खोलना स्टार्ट कर दे. जैसे कि हम अगर वाटर की बात करें, पानी की बात करें, तो हम देखते हैं कि पानी जो है वो 100 दर्जा हरारत पे क्या करता है, उबलना शुरू हो जाता है, बॉयल करना शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब है
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100. इसी तरह से जो मेटल्स हैं जो धातें हैं उनके भी अपने ख़ास बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. तो हम देखते हैं कि जो धातें हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है यानी कि ज़्यादा होता है. तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में.